हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। यहाँ पे हम लोग NDA 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। बहुत सारे लोग इस पेपर को देख के आए होंगे, तो यहाँ पे हम केवल इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे लोग देख के आएंगे, जो लोग देख के आए होंगे वो अपना रीचेक कर लीजिए, या फिर जिन लोगों को देना है अगले साल या फिर उसके अगले साल, तो वो लोग देख लेंगे कि कैसा पेपर आता है, कैसे चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। एक एक क्वेश्चन को हम देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, हर स्माइल वाज कंटेजियस। ठीक है, सिनोनिम लिखने हैं पहले। 10-10 क्वेश्चन है, सिनोनिम के 10, 10 एंटोनिम के, है ना। आगे 10 फिल इन द ब्लैंक्स के, 10 एरर के और 10 ईडियम फ्रेजेस, है ना। तो 50 क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन हैं। हम सब सारे क्वेश्चन देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले सिनोनिम्स का पार्ट है। ये अलग अलग होता है अलग अलग पेपर में, तो आप अपने पेपर में देख लीजिए कि सिनोनिम्स कहाँ पे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, हर स्माइल वाज कंटेजियस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कंटेजियस का मतलब समझना है। कंटेजियस मतलब होता है, एक तरह से कह सकते हो, संक्रामक, है ना। वैसे तो बीमारियों के लिए यूज़ हो सकता है संक्रामक, या फिर कह सकते हो कि कोई भी ऐसी चीज़ जो फैलने वाली हो, हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन लिखा है एरोगेंट। एरोगेंट होता है अहंकारी, अहंकारी, डिसरिस्पेक्टफुल, अनादरणीय कह सकते हो। जैसे रिस्पेक्टफुल होता है आदरणीय, वैसे ये अनादरणीय। ठीक, अनादरणीय मतलब आदरणीय जो ना हो। ठीक है, फिर लिखा है सार्केस्टिक। सार्केस्टिक मतलब होता है व्यंगात्मक, व्यंगात्मक। ठीक है, अगला है कैचिंग। कैचिंग भी कह सकते हो, एक तरह से संक्रामक होता है इसका मतलब। ठीक है, उसकी जो स्माइल है, कह रहा है उसकी जो स्माइल है वो संक्रामक है। संक्रामक मतलब, देखो ऐसे हिंदी में संक्रामक बोलने से अजीब लग रहा होगा कि कोई बीमारी संक्रामक होती है ना, लेकिन जो इस संक्रामक मतलब फैल जाने वाली। अब वो मुस्कुराई, उससे कई लोग मुस्कुराए उसे देख के, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे इसके सिनोनिम के रूप में, कॉन्टेजियस का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला लिखा हुआ है, हर डायनेमिक नेचर इम्प्रेस्ड एवरीवन। तो यहाँ पे ये जो अंडरलाइन पार्ट है, इसी का हमें सिनोनिम लिखना होता है। तो लिखा है, हर डायनेमिक नेचर इम्प्रेस्ड एवरीवन। डायनेमिक मतलब क्या होता है, एक तरह से कह लो गतिशील, है ना, गतिशील। उसके डायनेमिक नेचर ने सबको इम्प्रेस किया, है ना, ऐसा कुछ कहना है। तो पहला ऑप्शन लिखा है इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग मतलब होता है चिरस्थायी, यानी कि जो लंबे समय तक रहे, है ना, चिरस्थायी। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन लिखा है अटेंटिव। अटेंटिव होता है सतर्क, एडजेक्टिव है ना, सतर्क। ठीक है, फिर है इवोल्यूशनरी। इवोल्यूशनरी होता है, जैसे इवोल्यूशन होता है इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी विकास सूचक कह सकते हो। इवोल्यूशन होता है विकास, और इवोल्यूशनरी विकास सूचक। ठीक है, विकास सूचक, विकास सूचक। अगला है जेलस। ठीक है, जेलस आपको पता है, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, हर डायनेमिक नेचर इम्प्रेस्ड एवरीवन। गतिशील कह लो या विकास सूचक कह लो, बात एक ही है ना। चिरस्थायी होगा नहीं, सतर्क होगा नहीं, ईर्ष्यालु होगा नहीं, है ना। डायनेमिक इवोल्यूशनरी, सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, सॉरी, थर्ड वाला, ये है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, सी वाज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी। यहाँ पे लेमेंटिंग का हमें सिनोनिम बताना है। लेमेंटिंग, लेमेंटिंग मतलब क्या होता है, कह सकते हो विलाप करने वाला, है ना, रोने वाला। लेमेंट होता है लेमेंट, लेमेंट वर्ड सुना होगा आपने। लेमेंटिंग विलाप करने वाला, विलाप करने वाला। ठीक है, चार ऑप्शन है, सेलिब्रेटिंग, बिमोनिंग, ब्लेमिंग, मेकिंग। ठीक है, सेलिब्रेटिंग आपको पता है सेलिब्रेट से संबंधित है, सेलिब्रेटिंग। बिमोनिंग, बिमोनिंग होता है दुख प्रकट करने वाला, ना, दुख प्रकट करने वाला, दुख प्रकट करने वाला। ठीक है, यही सही हो जाएगा, है ना। अगला लिखा है ब्लेमिंग। ब्लेमिंग कह सकते हो, एक तरह से कह लो, ब्लेम, ब्लेम होता है जिम्मेदार ठहराना। ब्लेमिंग जिम्मेदार ठहराने वाला, है ना, जिम्मेदार ठहराने वाला। आप करके आए होंगे पेपर, तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे होंगे सही आपके, जिम्मेदार ठहराने वाला।
मेकिंग मेकिंग तो अब पता ही है, निर्माण कह लो, है ना, या फिर निर्माण करने वाला, मेकिंग, दोनों ही फॉर्म में यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे हम सेकंड वाला ऑप्शन सही करेंगे, बिमोनिंग। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। लिखा है, अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रो इन एन ऑर्गेनिक मैनर। ठीक है, ऑर्गेनिक का हमें यहाँ पे सिनोनिम लिखना है। लिखा है नेचुरल, स्पीडी, अनयूजुअल, डिसिप्लिन्ड, है ना, डिसिप्लिन्ड। तो नेचुरल प्राकृतिक होता है, ठीक है, प्राकृतिक कह सकते हो। स्पीडी, स्पीडी स्पीड से रिलेटेड है, शीघ्र कह सकते हो, या फिर तेजी से चलने वाला, शीघ्र या फिर तेजी से चलने वाला, शीघ्र। अनयूजुअल असामान्य, यूजुअल सामान्य, अनयूजुअल असामान्य, असामान्य। ठीक है, अगला लिखा है डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन्ड अनुशासित, आपको पता है, अनुशासित। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मतलब यहाँ पे हम नेचुरल करेंगे, स्पीडी होगा नहीं। अंडर इज लीडरशिप द कंपनी ग्रिप इन एन ऑर्गेनिक मैनर, यानी कि उसकी लीडरशिप में जो कंपनी है वो एक ऑर्गेनिक कह लो या नेचुरल प्राकृतिक ढंग से ग्रो करी है, ऐसा कुछ दिखाना है ना। तो हम यहाँ पे नेचुरल सही करेंगे, कोई और ऑप्शन सही नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक है, हिज चार्म लाइज इन हिज ओरेटरी। ठीक है, ओरेटरी मतलब समझो, ओरेटर सुना है, ओरेटर, ओरेटर वक्ता जिसको कहते हो, व्याख्यान देने वाला। ओरेटरी होती है वाक्पटुता, मतलब बोलने की निपुणता कह लो, है ना, वक्तव्य कला हिंदी में अगर और अच्छा कहना है तो, वाक्पटुता, वाक्पटुता। और ये शायद हिंदी में सही भी नहीं लिखा है, वाक्पटुता शायद आदि का होती है। अगला है डिसीट, डिसीट, डिसीट का मतलब क्या होता है, धोखा, डिसीट मतलब होता है धोखा। अगला है इलोक्वेंस, इलोक्वेंस ये इसका मतलब होता है वाक्पटुता, ये भी वही है वाक्पटुता। ठीक है, यही सही हो जाएगा, है ना। लुक्स आपको पता ही है, जैसे रूप जिसको कहते हो, एक देखो लुक जो है, लुक ये वर्ब भी है, वर्ब है एक, तो पहले समझो लुक वर्ब है, जैसे देखना जिसको कहते हो। ठीक है, लुक्स जब होगा तो ये रूप हो जाता है, लुक्स कहते हैं ना, लुक्स मैटर नहीं करते, है ना। तो यहाँ पे ये लुक्स नाउन वाले फॉर्म में है, ये लुक वर्ब भी होता है, फिर वहाँ पे उसका लुक्स, लुक्ड, लुक्ड और लुकिंग सारे फॉर्म होंगे, है ना। अगला है नोबिलिटी, नोबिलिटी मतलब क्या होता है, मर्यादा जिसको कहते हो, या फिर उदारता कह लो, है ना, दयालुता, मर्यादा। सही, यहाँ पे हम सेकेंड वाला ऑप्शन करेंगे। ठीक है, इलोक्वेंस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक है, सी इज अ पेट्रॉन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। पेट्रॉन, देखो यहाँ पे पेट्रॉन का मतलब बताना है, पेट्रॉन मतलब वैसे तो ग्राहक या दर्शक होता है ना, ग्राहक कह सकते हो, या फिर संरक्षक भी बोल दिया जाता है। तो ऑप्शन है इंटरप्रेन्योर, एडमायरर, क्रिटिक, बैकर। ठीक है, तो सबका मतलब आपको समझना है पहले। इंटरप्रेन्योर उद्योगपति, सुन रखा होगा। एडमायरर, एडमायर होता है प्रशंसा करना, एडमायर प्रशंसा करना। एडमायरर प्रशंसक कह सकते हो, या फिर प्रेमी, है ना, प्रशंसक या फिर प्रेमी। ठीक है, क्रिटिक, क्रिटिक कह सकते हो प्रत्यालोचना या समीक्षा, ना समीक्षा या प्रत्यालोचना कह सकते हो। बैकर, बैकर मतलब होता है समर्थक। ठीक है, देखो इसका मतलब ग्राहक, दर्शक या कह सकते हो संरक्षक था, है ना, दर्शक भी कह सकते हो। अब देखो यहाँ पे चार ऑप्शन है हमारे पास, हमें सबसे सही देखना होता है। वहाँ पे लिखा रहता है जो सबसे बेस्ट, यानी कि जो बेस्ट मीनिंग को एक्सप्रेस करे वो लिखना होता है। एंटरप्रेन्योर आपको पता है उद्योगपति हो गया, एडमायरर प्रशंसक हो गया, क्रिटिक समीक्षा, है ना, कि समर्थक। वो आर्ट और कल्चर का क्या है, समर्थक है, प्रशंसक है, क्रिटिक है, या फिर कह लो समीक्षक। तो यहाँ पे हम सबसे सही ऑप्शन बैकर करेंगे, समर्थक। ठीक है, कोई और नहीं, कुछ लोगों ने एडमायरर हो सकता है लगाया हो, लेकिन हम एडमायरर नहीं करेंगे, बैंकर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला लिखा है, एरोगेंस इज अ हॉलमार्क ऑफ हिज नेचर।
एरोगेंस जो है वो उसके नेचर का हॉलमार्क है, ऐसा कुछ कहना है। एरोगेंस का हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना है। एरोगेंस क्या होता है? घमंड, ठीक है, घमंड। तो देखते हैं, पहला है कंसर्न। कंसर्न क्या होता है? चिंता करना, कंसर्न है ना, चिंता करना। अगला लिखा है अनप्रिटेंसियसनेस, ठीक है, अनप्रिटेंसियसनेस। इसका मतलब होता है, कह सकते हो विनीत या सादा, है ना, विनीत या सादा, शांतिपूर्ण ढंग वाला। कंसीट, कंसीट भी होता है घमंड, ये तो इसका सिनानिम होगा, यही हो जाएगा कंसीट, है ना। सिंप्लिसिटी आपको पता है, सादगी, उदारता, सिंप्लिसिटी, है ना। सही ऑप्शन हमारे पास कंसीट है एरोगेंस का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है सी अंडर टुक रिकनसाइनेंस ऑफ द इंटायर इशू। सी अंडर टुक अ रिकनसाइनेंस ऑफ द इंटायर इशू। रिकनसाइनेंस का मतलब क्या होता है? रिकनसाइनेंस का मतलब होता है एक तरह से कह लो किसी भी स्थान का सैनिक सर्वेक्षण, है ना। इसका मतलब होता है किसी स्थान का सैनिक सर्वेक्षण, ठीक है। देखो अजीब अजीब से वर्ड्स आते हैं, कितने, अगर देखा जाए तो एक तरह से कह लो टफ बोल सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, किसी स्थान का सैनिक सर्वेक्षण, ठीक है। चलो एक एक ऑप्शन देखते हैं। पहला लिखा है रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, रिवेल्युएशन, ना रिवेल्युएशन मतलब एक तरह से कह लो पुनर्मूल्यांकन, रिवेल्युएशन। अगला है रेटिफिकेशन, फिर है इन्वेस्टिगेशन, रेगुलराइजेशन, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन देखेंगे। रिवेल्यूशन क्या होता है? रिवेल्युएशन मतलब पुनर्मूल्यांकन, मतलब दोबारा से मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन। देखो कितने सिमिलर सिमिलर से ऑप्शन देते हैं, एक बार देखो आप। रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है? संशोधन कह सकते हो, संशोधन, ठीक है। अगला है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन होता है जांच। ये है रेगुलराइजेशन। देखो यहाँ पे तो इसमें नीचे अंडरलाइन कर दिया है ना, क्योंकि एरर, ऑटो एरर लगा है इसमें, ऑटो करेक्ट, तो इसमें ये रेड रेड कर दिया है, मतलब ये वर्ड गलत है। देखो ऐसा कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, सेम यही वर्ड पूछा गया था, यही वर्ड लिखा था, लेकिन रियल में ऐसा कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ये भी एग्जाम में लगा के आ गए हों, है ना, जबकि ये ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सही क्या करेंगे, यहाँ पे सैनिक सर्वेक्षण है, यहाँ पे भी हम इन्वेस्टिगेशन सही करेंगे, थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है, बाकी सारे गलत हैं, थर्ड ऑप्शन हम यहाँ पे सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या है? माई डाटर इज माई रेप्लिका। मेरी जो डाटर है वो मेरी रेप्लिका है। रेप्लिका मतलब क्या होता है? देखो रेप्लिका पहले बाद में देखेंगे, पहले यहाँ देखो लिखा है प्राइड क्लोन लव ओरिजिनल, ओरिजिन ओरिजिनल है ना। तो प्राइड, कुछ लोगों ने प्राइड लगाया होगा, क्योंकि रेप्लिका का मतलब भले ही ना बताओ लग रहा होगा कि माई डॉटर इज़ माई प्राइड, मेरी जो बेटी है वो मेरा गर्व है, घमंड है ना, ऐसा कुछ सोच के शायद प्राइड लगाया हो, लेकिन जब तक रेप्लिका का मतलब नहीं पता होगा आप गलत करेंगे, ठीक है। तो रेप्लिका का मतलब होता है प्रतिकृति कह सकते हो, या प्रतिरूप, प्रतिरूप मतलब एक जैसा दिखने वाला, है ना। तो पहला है प्राइड, प्राइड आपको पता है घमंड। क्लोन, क्लोन होता है एक तरह से कह लो, ये जो अभी प्रैक्टिस चल रही है आपकी, जो प्रैक्टिस वाली सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, उसमें एक दिन ये वर्ड आया था, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा, क्लोन अलग से आया था ना, उसी में पेसिमली था जिसमें, है ना। तो क्लोन मतलब होता है एक तरह से कह लो एक जैसा दिखने वाला, वही क्लोन, है ना। जैसे आजकल क्लोन से चीज़ें बनाई जा रही है ना, किसी का क्लोन लेके उसके जैसा आदमी बना दिया जाता है, या फिर कोई एनिमल बना दिया जाता है, तो क्लोन भी वही है एक तरह से कह लो, प्रतिरूप वाला। तो यही सही होगा। लव तो आपको पता है प्रेम, प्यार, है ना, मेरी बेटी मेरा प्यार है। देखो सही सारे हो सकते हैं अलग अलग फॉर्म में, लेकिन रेप्लिका यहाँ पे हमें लगाना है, तो रेप्लिका का ही हमें सिनोनिम बताना है। तो रेप्लिका के लिए हम कोई वर्ड लाएंगे,
ओरिजिनल आपको पता है मूल कह सकते हो, ओरिजिनल मूल या फिर असली जिसको कहते हो, है ना, ओरिजिनल चीज़। तो यहाँ पे हम क्लोन सही करेंगे, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, द सार्डोनिक नेचर ऑफ हर स्टोरीज मेड हर स्टैंड आउट एमंग द कंटेम्प्रेरी राइटर्स। तो लिखा है सार्डोनिक, इसका हमें सुनाने बताना है, ठीक है। तो सार्डोनिक मतलब क्या होता है, एक तरह से कह सकते हो उपहासपूर्ण, है ना, उपहासपूर्ण। तो पहला ऑप्शन है कंपैशनेट, इंसाइटफुल, मॉकिंग, कॉमिक। एक एक का मतलब समझो। कंपैशनेट का मतलब होता है करुणा में, है ना, करुणा में, करुणा में, ठीक है। इंसाइटफुल, इंसाइटफुल कह सकते हो जैसे इंसाइट होता है, इंसाइट समझ, तो इंसाइटफुल गहरी पहुंच वाला कह सकते हो, गहरी पहुंच वाला किसी भी क्षेत्र में। मॉकिंग, मॉकिंग होता है उपहासपूर्ण, यही इसका सिनोनिम हो जाएगा, उपहासपूर्ण, ठीक है, यही इसका सिनोनिम हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन सही करेंगे। कॉमिक, कॉमिक का मतलब हास्यप्रद होता है, हास्यप्रद। कुछ लोगों ने शायद फोर्थ ऑप्शन लगाया हो क्योंकि इसका मतलब कॉमिक का हास्यप्रद पता रहा होगा। देखो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट उपहासपूर्ण का, उपहासपूर्ण ज़्यादा सही मॉकिंग है ना कि कॉमिक, तो हम इसको सही करेंगे। चलो ये सिनोनिम्स के पार्ट, सिनोनिम्स का पार्ट कंप्लीट हो गया है, हम आगे एंटोनिम्स देखेंगे, एक एक एंटोनिम की कैसे कौन सा सही होगा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है, ही फाउंड हर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग। उसने उसको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग पाया था। देखो अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, आकर्षक जिसको कहते हो, है ना, अट्रैक्टिव, आकर्षक। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अननेचुरल, मॉडर्न, रिपल्सिव, डिसअप्रूविंग। ठीक है, एक एक का मतलब समझेंगे। देखो अननेचुरल कह सकते हो, नेचुरल का एंटोनिम, है ना, नेचुरल होता है एक तरह से कह लो नेचुरल, स्वाभाविक। अननेचुरल होता है बनावटी, क्या होता है, बनावटी। मॉडर्न आधुनिक, ठीक है। रिपल्सिव, रिपल्सिव मतलब कह सकते हो घिनौना या घृणास्पद, घृणास्पद लिख सकते हैं या फिर घिनौना कह सकते हो। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम तो यही हो जाएगा, रिपल्सिव, ठीक है। डिसअप्रूविंग होगा नहीं, अप्रूव होता है उसका, ये एंटोनिम है, डिसअप्रूव, अप्रूविंग, डिसअप्रूविंग, नापसंद कह सकते हो, नापसंद, ठीक है। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव का जो एंटोनिम है वो रिपल्सिव हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, द स्काई इज बाउंडलेस, ठीक है, बाउंडलेस। अब देखो यहाँ पे बाउंड, बाउंड से बना है बाउंडलेस, बाउंडलेस का मतलब कह सकते हो असीम, असीम मतलब जिसका अंत ना हो कह सकते हो, एक तरह से बहुत बड़ा, असीम। फिर है हाई, वास्ट, एक्सपेंसिव, फाइनाइट। देखो कितने सिमिलर से हैं, हाई, हाई भी ऊंचा, कुछ लोगों को लग रहा होगा हाई सही है, द स्काई इज हाई, आकाश ऊंचा है, ऐसा नहीं है, ऊंचा है, लेकिन हमें यहाँ बाउंडलेस चाहिए, ठीक है, बाउंडलेस का एंटोनिम चाहिए। तो हाई, देखो यहाँ पे जो सेंटेंस लिख के आता है तो इससे हमें कुछ खास मतलब होता नहीं है, सिनोनिम एंटोनिम वाले मामले में, सीधे सीधे आप इसको, अगर आपको ये पता है तो आप इसका एंटोनिम या सिनोनिम कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर सेंटेंस लिख के आता है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है कि मतलब समझने के लिए आपके, है ना। तो ठीक है, हाई मतलब होता है ऊंचा, है ना, वास्ट होता है विशाल, ये भी अभी किसी को उस दिन पिछले किसी सेट में आया था, है ना, अगर आप उनको करेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे एग्जाम में आपके, है ना, फिर चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आती हो। लिखा है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव कह सकते हो एक तरह से एक्सपेंस, एक्सपेंसिव विशाल, व्यापक कह सकते हो, एक्सपेंसिव, है ना, बढ़ने वाला, व्यापक, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में जो फैला हो। फाइनाइट होता है सीमित, इनफाइनाइट होता है असीमित, फाइनाइट सीमित। तो यहाँ पे असीम का जो एंटोनिम है वो फाइनाइट हो जाएगा, बाउंडलेस का एंटोनिम फाइनाइट हो जाएगा। बाउंडलेस मतलब होता है जिसकी लिमिट ना हो, लिमिटलेस हो, फाइनाइट मतलब सीमित, है ना, जिसकी लिमिट हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, द स्काई इज क्लियर टुडे। अब क्लियर का हमें यहाँ पे
एंटोनिम बताने हैं। पहला है ब्राइट, ब्राइट आपको पता है, कह सकते हो चमकदार, है ना, चमकदार। क्लियर, क्लियर मतलब साफ कह सकते हो, स्पष्ट कह सकते हो। ओपेक, ओपेक का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी। ये भी ये वन वर्ड में आता है कई बार क्वेश्चन, है ना, ओपेक, अपारदर्शी, अपारदर्शी। ठीक है, क्लाउडलेस, क्लाउडलेस कह सकते हो, एक तरह से उपेक्षा कह सकते हो, या फिर अनफ्रेंडली बिहेवियर कहा जा सकता है ना, उपेक्षा। अगला है ब्लू, ठीक है, ब्लू आपको पता ही है नीला होता है, या यही ब्लू का मतलब एक अश्लील भी होता है। ठीक है, तो लिखा है द स्काई इज क्लियर, तो क्लियर का हमें यहाँ पे बताना है, क्लियर मतलब साफ, ओपेक अपारदर्शी, है ना, या फिर अस्पष्ट भी कह सकते हो इसको, है ना, केवल अपारदर्शी नहीं, अस्पष्ट भी कह सकते हो। तो अगर क्लियर का मतलब स्पष्ट है तो ये अस्पष्ट यही सही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है आई हैव अ फैसिनेशन ऑफ फॉर, सॉरी फॉर डीप वाटर्स, है ना, डीप का हमें एंटोनिम बताना है। डीप आपको पता है गहरा, ठीक, डार्क, डार्क मतलब कह सकते हो अंधेरा, अंधेरा वाले सेंस में यूज हो जाएगा, लाइट प्रकाश, या फिर हल्का वाले सेंस में यूज होता है लाइट, डेंजरस खतरनाक, डेंजरस खतरनाक हो जाएगा। लास्ट है सैलो, सैलो कह सकते हो छिछला या फिर उथला, न छिछला। तो गहरा का जो एंटोनिम है, डीप का जो एंटोनिम है वो सैलो करेंगे हम, फोर्थ ऑप्शन, कोई दूसरा नहीं होगा। डार्क गलत होगा, लाइट गलत होगा, डेंजरस गलत होगा, मतलब हमने देख लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, माई बॉस हैज़ बीन टू जनरस, जनरस का एंटोनिम बताना है। पहला है स्टिंगी, रफ, इवेल, होस्टाइल। स्टिंगी मतलब क्या होता है, एक तरह से कह लो कंजूस। रफ आपको पता है, रफ खुरदरा, या बिहेवियर वाले सेंस में भी यूज हो सकता है ना, रफ बिहेवियर, खुरदरा। इवेल, इवेल मतलब क्या होता है, कह सकते हो पाप, या पापी भी होता है ना। तो जनरस का जो एंटोनिम है वो यही इवेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि होस्टाइल का मतलब आपको पता है विरोधी होता है, या शत्रुतापूर्ण कह लो, विरोधी। ठीक है, तो जनरस का जो एंटोनिम है वो हम थर्ड वाला करेंगे, इवेल। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, आप लोग कमेंट करके बताना नीचे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, जो लोग पेपर दे के आए हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, लिखा है स्प्रिंग इज अ टाइम ऑफ प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब बताना है। प्लेंटिंग मतलब एक तरह से कह लो अधिक मात्रा, है ना, किसी भी चीज की प्लेंटी, अधिक मात्रा, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में। ये भी वर्ड पिछले एक सेट में आया था, है ना। पहला ऑप्शन है अग्लीनेस, अग्लीनेस समझते हो, अग्ली से बनाए, कुरूपता हो जाएगा, कुरूपता। स्कैर्सिटी, इसका मतलब क्या होता है, अभाव या कमी कह सकते हो, अभाव या कमी, ठीक है, स्कैर्सिटी, यही इसका एंटोनिम हो जाएगा, अधिक मात्रा में, और ये कम, कम मात्रा में, कमी। अगला भी देख लो, रफनेस, रफ होता है रफ, उसी से बना है रफनेस, खुरदरापन, खुरदरापन, या फिर बिहेवियर वाले सेंस में यूज करना है तो असभ्यता भी कह सकते हो। देखो किसी भी मीनिंग के एक ही मतलब नहीं होते हैं, ढेर सारे मतलब होते हैं। अब हमें ये देखना होता है कि कौन सा वाला कहाँ यूज करेंगे। अगला है ड्राइनेस, ड्राइनेस मतलब वैसे अगर देखोगे ड्राई, सूखे वाले फॉर्म में, तो सूखापन हो जाएगा। अब सूखापन भी बहुत सारी चीज़ों का होता है ना, व्यक्तियों का भी सूखा रूखापन होता है, संयम बोल सकते हो इसको, संयम भी कह सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर, अगला 17 नंबर का क्वेश्चन है, ही इज़ एन इंडस्ट्रियस वर्कमैन, इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग, मेहनती, मेहनती जिसको कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका एंटोनिम बताना है। पहला एक्टिव, एक्टिव आपको पता है सक्रिय, ठीक है, सक्रिय हो जाएगा। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव
प्रोडक्टिव कह सकते हो, प्रोडक्ट से बना है, प्रोडक्टिव, उत्पादक, उत्पादक, लेजी, आलसी, यही हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, तो शायद किसी का गलत नहीं हुआ होगा और होना भी नहीं चाहिए, है ना। लिखा है डिसलॉयल, लॉयल होता है ना, विश्वास, विश्वासी कह सकते हो, डिसलॉयल विश्वासघाती, है ना, डिसलॉयल फ्रेंड भी होता है, विश्वासघाती। ठीक है, चलो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हम सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है प्लांट्स ग्रो इन एन एबुंडेंस हेयर। ग्रो का हमें यहाँ पे एंटोनिम बताना है। ग्रो आपको पता है, ग्रो मतलब क्या होता है, बढ़ना, बढ़ना, ग्रो। लिखा है स्रिवेल, स्ट्रेंच, स्प्रेड, इन लार्ज। एक एक का मतलब समझेंगे। स्रिवेल का मतलब क्या होता है, मुरझाना। देखो हमें सारे मतलब देख लेने होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते होंगे जहाँ पे चारों ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लगते हैं कि ये सिनोनिम या एंटोनिम हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें कोई ना कोई वहाँ पे करना होता है। वो इसलिए क्योंकि हमें ज़्यादा सही देखना होता है ना, कि सबसे सही कौन सा है। तो आपको सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि आप चारों ऑप्शन देखो, किसी भी एक ऑप्शन से टिक ना करो, क्योंकि फिर गलत होगा, जल्दबाजी हमेशा खतरनाक होती है। तो यहाँ पे हम सबके मतलब देखेंगे पहले। फिर है स्ट्रेच, स्ट्रेच आपको पता है, एक तरह से कह सकते हो खींचना वाले सेंस में भी यूज़ होगा, स्ट्रेच, स्ट्रेचिंग जैसे होता है। स्प्रेड, फैलाना, है ना, फैलाना। इन लार्ज, इन लार्ज मतलब होता है बढ़ाना, है ना, बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो एक तरह से कह लो इसका ये सिनोनिम हो गया, इनलार्ज, है ना, ये सारे ही एक तरह से फैलाना, खींचना, ये इसका एंटोनिम होगा मुरझाना, फर्स्ट वाला। ठीक है, यही सही होगा। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। एक है सी रेयरली कम्स हेयर। रेयरली, रेयरली मतलब क्या होता है, कभी कभार, है ना, नॉट ऑफन, है ना, कभी कभार। तो पहला है सेल्डम, सेल्डम भी यही होता है, कभी कभार। रेयरली, सेल्डम सेम है, एक जैसे हैं। नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, आपको पता है, कभी नहीं, है ना, वो तो ऑलवेज का एंटोनिम हो सकता है, हमेशा। फ्रिक्वेंटली मतलब क्या होता है, बहुधा या प्रायः कह लो, प्रायः। ऑफन, तो ऑफन का एंटोनिम हो जाएगा रेयरली, नॉट ऑफन। ठीक है, तो यही फ्रिक्वेंटली हम यहाँ पे सही करेंगे। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हम फोर्थ ऑप्शन सही करेंगे। अगला लिखा हुआ है सी इज रादर क्रूक्ड टू वोमेन। क्रूक्ड मतलब क्या होता है, क्रूक्ड वैसे तो अगर देखा जाए तो एक तो इसका मतलब वक्र होता है, वक्र, ठीक है, क्रूक्ड। लेकिन एक और इसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट वाले सेंस में, ठीक है, इसी का एक मतलब डिसऑनेस्ट भी होता है, डिसऑनेस्ट मतलब ईमानदार नहीं। पहला ऑप्शन है पोलाइट, फिर है जनरस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हैप्पी। अब तो अगर डिसऑनेस्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है तो आपको क्लियर हो गया होगा आंसर क्या है, लेकिन फिर भी देखते हैं। पोलाइट, पोलाइट मतलब होता है विनम्र। जनरस आपको पता है, दयालु। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, है ना, सरल, ईमानदार, ऑनेस्ट। हैप्पी, खुश। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रूक्ड का एंटोनिम क्या करने वाले हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताना जो लोग पेपर देके आए हैं कि उनके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, अगला पोर्शन हमारा ईडियम फ्रेजेस का है, एक एक को देखेंगे। चलो पहला लिखा है ओवर स्टेप द मार्क। ठीक है, ओवर स्टेप द मार्क, तो पहला ऑप्शन लिखा है टू टेल पीपल हाउ सक्सेसफुल यू आर, यहाँ पे यू आर होगा, है ना। ठीक है, ओवर स्टेप द मार्क लिखा है पहला ऑप्शन, टू टेल पीपल हाउ सक्सेसफुल यू आर। फिर है टू स्टेप इनटू समवन एल्स एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज, टू अपसेट समवन बाय डूइंग और सेइंग मोर देन यू शुड। फिर लिखा है टू डू समथिंग इन एन एक्साइटेड वे। ओवर स्टेप द मार्क इसका मतलब ही होता है कि किसी को अपसेट करना, कुछ भी बोल के या कह के, है ना, या फिर कह लो जरूरत से ज़्यादा
एक तरह से कह लो बोलना, तो यही थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, बाकी सारे गलत होंगे। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं सोचना होता है ना, क्योंकि जो भी वर्ड यहाँ, जो भी यहाँ पे इडियम या फ्रेज लिख के आता है, उसका अगर सीधे सीधे मतलब आपको पता है तो फिर सही होगा, वरना गलत होगा। तो ओवर स्टेप द मार्क का सबसे सही यहाँ पे ऑप्शन ये वाला है, टू अपसेट समवन बाय डूइंग अ सेइंग मोर देन यू शुड। मतलब किसी को अपसेट करना, कुछ भी बोल के या कह के, मोर देन यू शुड, जितना कि आपको चाहिए, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बोल देना। अगला लिखा है पालसी वालसी फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहला है गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हु हेल्प ईच अदर इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, ठीक है, फ्रेंड्स बाई चॉइस एंड नॉट बाई चांस, अनफ्रेंडली। पालसी वालसी फ्रेंड्स का देखो जो मतलब होता है वही होगा, इसका मतलब होता है गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त। ठीक है, अब आपको शायद ये लग रहा हो कि गुड फ्रेंड्स ये है और फ्रेंड्स हु हेल्प ईच अदर इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, वो भी तो गुड फ्रेंड्स ही होंगे, लेकिन हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं देखना है, सिंपली गुड फ्रेंड्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो यही सही करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला लिखा है ओपन अ पेंडोरा बॉक्स। ठीक है, ये तो कॉमन है, सुन रखा होगा ओपन अ पेंडोरा बॉक्स। पहला ऑप्शन है टू डू समथिंग दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट, टू डू समथिंग दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट, पहला ऑप्शन है। सेकेंड है टू डू समथिंग आउट ऑफ कंपल्सन, टू डू समथिंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स दैट कॉजेज अवार्ड्स एंड सेरेमनीज फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन अ पेंडोरा बॉक्स का मतलब होता है टू डू समथिंग दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट। ठीक है, ऐसा कुछ करना जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कॉज हो जो आपने एक्सपेक्ट ना करी हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो मतलब है ओपन अ पेंडोरा बॉक्स का, यही पहला वाला ऑप्शन होता है। ठीक है, कोई दूसरा हम नहीं करने वाले। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा है पुल योर सॉक्स अप। पहला है टू गेट वेल ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, इम्प्रूव योर वर्क और योर बिहेवियर और बिहेवियर, टू स्पीक इन एन ऑनेस्ट वे विदाउट हेजिटेशन, टू बी इन कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन सीक्रेटली। ठीक है, तो यहाँ पे पुल योर सॉक्स अप का मतलब होता है इम्प्रूव योर वर्क और बिहेवियर, यानी कि अपना काम या बिहेवियर को इम्प्रूव करना। ठीक है, यही मतलब इसका होता है, तो हम बस यही सही करेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, हाँ लिखा है टू गेट अंडर समबडीज स्किन, टू गेट अंडर समबडीज स्किन। देखो अगर सीधे सीधे इनके मतलब निकालने लग जाओगे तो कोई एग्जैक्ट मीनिंग आता नहीं है इनका, है ना, क्योंकि ये इडियम फ्रेज है, इनका हिडन सेंस होता है हमेशा। पहला लिखा है टू डिसीव समवन, टू एडमायर समवन, टू एनॉय समवन, टू सपोर्ट समवन। अब जो अंडर समबडीज स्किन्स का मतलब होता होगा, स्किन का मतलब होता होगा, वही होगा। ठीक है, टू डिसीव समवन नहीं होता है, टू एडमायर समवन गलत होता है, टू एनॉय समवन यही होता है, टू एनॉय समवन किसी को तंग करना कह सकते हो, है ना, परेशान करना, टू सपोर्ट समवन किसी का साथ देना नहीं होता है इसका मतलब। ठीक है, तो हम थर्ड वाला ऑप्शन सही करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है टर्न टॉपसी टर्वे। पहला है टू कम्प्लीटली चेंज समथिंग, फिर है टू कम्प्लीटली इवेल्युएट समथिंग, टू इंजॉय योर सेल्फ ग्रेटली, टू एग्जॉस्ट योर सेल्फ कम्प्लीटली। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। लिखा है टर्न टॉपसी टर्वी। ठीक है, तो पहला है टू कम्प्लीटली चेंज समथिंग, यही सही होता है, टू कम्प्लीटली चेंज समथिंग, किसी चीज़ को पूरी तरह से बदल देना। ठीक है, टू कम्प्लीटली इवेल्युएट समथिंग गलत है, कुछ लोगों ने शायद लगाया हो क्योंकि काफ़ी सिमिलर लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इवेल्युएट होता है कुछ भी नया करना। टू इंजॉय योर सेल्फ ग्रेटली गलत है। फोर्थ ऑप्शन टू एग्जॉस्ट योर सेल्फ कम्प्लीटली, ये भी गलत है, पहला वाला ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है अ क्लेरियन कॉल। पहला ऑप्शन है अ ट्रम्पेट कॉल एंड इंटीमिडिएटिंग वॉइस, अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट एंड अर्जेंट ऑर्डर। ठीक है, तो अ क्लेरियन कॉल इसका मतलब बताना है, अ ट्रम्पेट कॉल एंड अ इंटीमिडिएटेड वॉइस, यहाँ पे
एन होना चाहिए, है ना, एन इंटीमिडेटिंग वॉइस, अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट एन अर्जेंट ऑर्डर। देखो अ क्लेरियन कॉल का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, ठीक है, यही सही करेंगे, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो इनमें बहुत कुछ समझने वाला नहीं होता है, अगर आपको याद है पहले से तो पता होगा, है ना। अगला लिखा है फायर इन द बेली। पहला ऑप्शन है फियर एंड हर्टेड, पावरफुल एम्बिशन, लव एंड डेडिकेशन, लिथर्जी एंड इंडिफरेंस, ठीक है। फायर इन द बेली, बेली वैसे बेली मतलब समझते हो पेट कह सकते हो, उधर, है ना, फायर इन द बेली, पावरफुल एम्बिशन, है ना, जैसे कहते हैं ना सीने में आग, वो सीने में आग, यहाँ पे बेली में आग, ऐसा कुछ है। पावरफुल एम्बिशन, बहुत तगड़ा, एक तरह से कह लो इच्छा शक्ति, एम्बिशन, तो यही हम सही करेंगे। अगला देखते हैं, अगला लिखा है अहंकी डोरी सिचुएशन। पहला ऑप्शन है देयर आर सीरियस इशूज एमंग पीपुल, देयर आर नो प्रॉब्लम्स एंड पीपुल हैप्पी, देयर इज वार एंड ब्लस्ट पीपुल आर हैप्पी, यहाँ पे, है ना, एंड पीपुल आर हैप्पी। फिर है देयर इज वार एंड ब्लड शेड ऑल ओवर, देयर इज नो वर्क ओनली इंजॉयमेंट। तो अहंकी डोरी सिचुएशन मतलब होता है देर आर नो प्रॉब्लम्स एंड पीपल आर हैप्पी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो और लोग खुश हों, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है गिव समबडी अ लेग अप, गिव समबडी अ लेग अप। पहला ऑप्शन है टू पुल समवन डाउन, टू डिसीव एंड बिट्राय समवन, टू हेल्प समवन फॉर देयर लिवलीहुड, टू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा सही, गिव समबडी टू लेग अप, है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा कह सकते हो समझ आ रहा है इससे। पहला टू पुल समवन डाउन, किसी को नीचे करना, टू डिसीव एंड बिट्राय समवन, किसी को धोखा देना, टू हेल्प समवन फॉर देयर लिवलीहुड, किसी को उसकी जीविका के लिए मदद करना, टू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल, यही सबसे सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा, किसी को उसके सक्सेसफुल होने में हेल्प करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोर्थ ऑप्शन सही करेंगे, ठीक है। तो आ रहे होंगे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन समझ में, है ना, आपने जो करके आया होगा वो भी मिल रहे होंगे बहुत सारे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे वाला पार्ट हम देखते हैं, आगे वाला स्पॉटिंग द एरर है, एरर्स बतानी है। एक एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्या एरर है इसमें। पहला क्वेश्चन लिखा है 31 नंबर, यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग, अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स टू, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या एरर है। लिखा है यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग, मतलब आपके पास एकाधिकार, मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार जिसको कहते हो, है ना, एकाधिकार। यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग, मतलब आपके पास दुख का एकाधिकार नहीं है, मतलब ऐसा कि केवल आपको दुख नहीं है ना, ऐसा कुछ इसका मतलब है। अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स टू, दूसरे लोगों के पास भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो टू का यहाँ पे आल्सो वाला सेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो डोंट लगा है ये नॉनसेंस है, ठीक है। सही सेंटेंस होगा यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग, अदर पीपल हैव प्रॉब्लम्स टू, आप केवल आपके पास ही दुख नहीं है, दूसरे लोगों के पास भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये सही होगा, डोंट यहाँ पे नॉनसेंस है, हम इसको गलत करेंगे, ठीक है। आगे होगा समझ में, इजी था देखने में, देखो देखने में बड़े लग सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं छोटी एरर ही मिल जाती है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, लिखा है इफ यू से दैट समवन यू एडमायर हैज फीट ऑफ क्ले, यू मीन दैट दे हैव हिडन फॉल्ट्स, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या एरर, ये भी बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन देखते हैं। इफ यू से दैट समवन, इफ यू से दैट समवन, समवन यहाँ पे क्या है, मतलब सिंगुलर है, समवन यू एडमायर हैज, देखो समवन सिंगुलर है उसके हिसाब से यहाँ पे हैज वर्ब आई है, ठीक हैज फीट ऑफ क्ले, यू मीन दैट दे हैव, ये दे जो आया है वो किसके लिए आया है, किसके लिए आया है, समवन के लिए आया है, बिल्कुल ठीक है, ये जो दे है वो समवन के लिए आया है। तो समवन अगर सिंगुलर है तो फिर हमें यहाँ पे सिंगुलर लाना होगा प्रोनाउन ही, फिर उसके हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर लानी होगी हैज, ठीक है। इफ यू से दैट समवन यू एडमायर हैज फीट ऑफ क्ले, यू मीन दैट ही हैज हिडन फॉल्ट्स, ये यहाँ पे हम सही करेंगे,
ठीक है, तो सी वाले पार्ट में एरर हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन, ही रिफ्यूज इट पॉइंट आउट, ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन, उसने अपना जो डिसीजन है वो चेंज करने से मना किया था। फिर आगे लिखा है ही रिफ्यूज इट पॉइंट आउट, उसने इसे एक तरह से कह लो इंगित, पॉइंट आउट फ्रेज फॉर्म में होता है, पॉइंट आउट सुना होगा आपने, पॉइंट आउट है ना, ही रिफ्यूज इट पॉइंट आउट, उसने इसे इंगित करने से भी मना किया था। देखो पॉइंट आउट फ्रेज फॉर्म में होता है, लेकिन हमें यहाँ पे पॉइंटिंग आउट चाहिए, ही रिफ्यूज इट पॉइंटिंग आउट, उसने इंगित करने से मना किया था ना, यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं पॉइंटिंग आउट होगा, ठीक है। ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन, ही रिफ्यूज इट पॉइंटिंग आउट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेड इन मुगल टाइम्स रेनफोर्स्ड द कल्चरल डेफिनेशन ऑफ वेल्थ एज समथिंग कंप्राइजिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेड इन मुगल टाइम्स रेनफोर्स्ड द कल्चरल डेफिनेशन ऑफ वेल्थ एज समथिंग कंप्राइजिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेड इन मुगल टाइम्स, ठीक लिखा है, ये पूरा ए पार्ट में ही है ना, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, वहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे थोड़ा इधर उधर हो गया है, लेकिन ये पूरा यहाँ तक ए पार्ट ही है ना, फिर ये बी है पूरा, फिर ये सी, तो ए पार्ट में तो दिक्कत नहीं लग रही। द कल्चरल डेफिनेशन ऑफ वेल्थ एज समथिंग, देखो कंप्राइजिंग जो लिखा है, कंप्राइजिंग, कंप्राइज का मतलब क्या होता है, कंप्राइज ऑफ, समझो यहाँ पे कंप्राइज ऑफ, ठीक है, ये अलग से ऑफ नहीं लगता है, कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंप्राइज का मतलब ही क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ मतलब कुछ भी सम्मिलित करना, ठीक है, कंप्राइज के बाद में ऑफ का यूज़ नहीं होता है, कंसिस्ट ऑफ होता है कंप्राइज का मतलब, है ना, तो अगर हमें कंप्राइज यूज़ करना है तो अलग से हम ऑफ नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, तो सही हो जाएगा यहाँ पे। द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेड इन मुगल टाइम्स रेनफोर्स द कल्चरल डेफिनेशन ऑफ वेल्थ एज समथिंग कंप्राइजिंग मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ यहाँ ऑफ का जो यूज़ है यहाँ पे वो नॉनसेंस है, तो ऑफ नहीं होगा, ठीक है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन लिखा है, इन द नाइनटीन्थ सेंचुरी मोस्ट ट्रेडिशनल स्कॉलर्स ट्राइड टू स्टे क्लियर फ्रॉम द इम्पीरियल गवर्नमेंट, ठीक है, इन द नाइनटीन्थ सेंचुरी मोस्ट ट्रेडिशनल स्कॉलर्स, ये भी बी पार्ट ही है उसी का आगे वाला, है ना, ट्राइड टू स्टे क्लियर फ्रॉम द इम्पीरियल गवर्नमेंट, ये भी उसी का सी पार्ट है आगे, है ना, तो देखते हैं क्या एरर है। मोस्ट ट्रेडिशनल स्कॉलर ट्राइड टू स्टे क्लियर, इम्पीरियल का मतलब समझते हो, इम्पीरियल मतलब होता है शाही, शाही या फिर राजसी जिसको कहते हो, कह रहा है कि 19th सेंचुरी में मोस्ट ट्रेडिशनल स्कॉलर, जो ज़्यादातर ट्रेडिशनल स्कॉलर्स थे, उन्होंने क्या किया था, ट्राई किया था स्टे क्लियर, स्टे क्लियर नहीं होता है, स्टे अवे होता है, ठीक है, स्टे अवे का मतलब क्या होता है समझो यहाँ पे, स्टे अवे फ्रेज फॉर्म में यूज होता है, ठीक है, स्टे अवे मतलब होता है कि दूर रहना किसी से, मतलब नॉट टू नॉट गो नियर अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, किसी के किसी व्यक्ति या वस्तु के पास ना जाना, स्टे अवे दूर रहना, तो वही स्टे क्लियर, स्टे साफ, साफ रहने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बन रहा है, स्टे अवे करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा इन द 19th सेंचुरी मोस्ट ट्रेडिशनल स्कॉलर्स ट्राइव टू स्टे अवे फ्रॉम द इम्पीरियल गवर्नमेंट, है ना, जो 19th सेंचुरी के ट्रेडिशनल स्कॉलर्स थे उन्होंने जो इम्पीरियल गवर्नमेंट थी उससे दूर रहने का ट्राई किया था, ऐसा कुछ है ना, स्टे क्लियर का कोई मतलब नहीं बन रहा है, स्टे अवे फ्रॉम होगा। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, ही बिगैन हिज डिस्कशन बाई पॉइंटिंग ओवर दैट मेन एंड वोमेन हैड डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस, ही बिगैन हिज डिस्कशन बाई पॉइंटिंग ओवर, कह रहा है कि उसने जो है अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था बाय पॉइंटिंग,
देखो अभी अभी आपको बताया पॉइंट आउट जो है वो फ्रेज फॉर्म में यूज होता है, पॉइंट आउट, पॉइंट आउट इसका मतलब होता है टू मेंशन समथिंग इन ऑर्डर टू गिव समबडी, कुछ भी है ना। पॉइंट आउट मतलब होता है टू मेंशन समथिंग, एक तरह से अगर कहें तो टू मेंशन समथिंग, टू मेंशन समथिंग है ना, टू मेंशन समथिंग मतलब कुछ भी मेंशन करना, इंगित करना। तो पॉइंट ओवर का कोई मतलब नहीं बन रहा है। ही बिगैन हिज डिस्कशन बाई पॉइंटिंग आउट, उसने जो है अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था इंगित करते हुए दैट मेन एंड वुमेन, यानी कि महिलाओं और पुरुषों में हैड डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस, यानी कि डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस होते थे, है ना, ऐसा कुछ दिखाना है। तो यहाँ पे हाँ एरर इस वाले ए वाले पार्ट में हो जाएगी, यहाँ पे पॉइंटिंग ओवर नहीं पॉइंटिंग आउट करेंगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे लिखा है दो ही इज पुअर कॉमा बट ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वो गरीब है लेकिन वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। ठीक है, क्योंकि गरीब लोगों को लोग ईमानदार होने के लिए एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना, कि गरीब है तो बेईमान ही होगा ऐसा सोचते हैं लोग। दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो या तो कॉमा यूज़ कर लो, ठीक है, तो कॉमा लगा रहने दो फिर बट हटा दो यहाँ से। ठीक है, एक कॉमा भी हटाना है बट भी हटाना है तो फिर येट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरह से सही कर सकते हो। एक तो तरीका ये है दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट, ये कर सकते हो, या फिर दो ही इज़ पुअर कॉमा ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, चलो आ गया होगा समझ में, बी वाले पार्ट में एरर हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है माई ब्रदर, सॉरी माई मदर हैज़ बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली। देखो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा होगा माई मदर हैज़ बीन डूइंग एवरीथिंग, हैज़ बीन और वी वन प्लस आई एन जी कब होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, वहाँ पे हैज़ बीन और वी वन के साथ आई एन जी का यूज़ होता है। तो यहाँ पे कहाँ हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिखाना है, कोई टाइम नहीं दिया है ना। यहाँ पे फॉर द फैमिली लिखा है, फैमिली के लिए, और ये फॉर टाइम के लिए थोड़ी ना आया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो एक चीज़ समझो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस बस इतना होता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसमें टाइम दिया रहता है। ठीक है, इसमें टाइम नहीं दिया है, हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाएंगे ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो जाएगा माई मदर इज़ डूइंग, मेरी माँ जो है वो इज़ डूइंग कर रही है एवरीथिंग फॉर द फैमिली, फैमिली के लिए सब कुछ कर रही है ना। तो यहाँ पे हैज़ बीन जो लिखा हुआ है ये गलत है, इज़ करेंगे और इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाएंगे, माई मदर इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली, सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 39 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है व्हेन लर्निंग टू डाइव इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिलैक्स इन बिटवीन एंड टेक ब्रेक्स, व्हेन लर्निंग टू डाइव इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिलैक्स इन बिटवीन एंड टेक ब्रेक्स, यानी कि डाइव सीखते समय इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आवश्यक है टू रिलैक्स, रिलैक्स करना इन बिटवीन बीच में, एंड टेक ब्रेक्स और ब्रेक्स लेना। तो देखो व्हेन का जो यूज़ है यहाँ पे वो गलत है। ठीक है, व्हाइल यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे समझो, व्हाइल तब यूज़ होता है जब एक काम हो रहा हो और दूसरा दिखाना हो। ठीक है, व्हाइल का यूज़ तब होगा जब एक काम हो रहा हो उसी समय दूसरा दिखाना हो, ड्यूरिंग द टाइम दैट समथिंग इज़ हैपनिंग। ठीक है, ऐसे टाइम पे जब कुछ भी हो रहा हो, तो व्हाइल यहाँ पे सही है व्हेन की जगह पे, तो व्हाइल गलत है, सॉरी व्हेन गलत है व्हाइल करेंगे। ठीक है, ए वाले पार्ट में एरर हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर, आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर, मतलब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है टू स्टडी इन अमेरिका, अमेरिका में पढ़ने की नेक्स्ट ईयर, अगले साल मेरे पास अगले साल अमेरिका में पढ़ने की अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कुछ कहना है। तो देखो यहाँ पे टू स्टडी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव द अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल का जो यूज़ है, देखो दो तरह के आर्टिकल होते हैं डेफिनेट इनडेफिनिट, ए और एन जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है, द डेफिनेट आर्टिकल में ना, ढेरों यूज़ हैं आर्टिकल के, है ना, अलग से जब कोई वीडियो बनाया देंगे आर्टिकल के लिए, लेकिन यहाँ पे बस इतना समझो कि
ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, द डेफिनिट आर्टिकल है, तो डेफिनिट अपॉर्चुनिटी हमें नहीं दिखानी है, हमें दिखाना है कि आई हैव अ अपॉर्चुनिटी, है ना। लेकिन आ फिर से नहीं यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे, आई हैव एन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे हमें डेफिनेट नहीं दिखाना है अपॉर्चुनिटी को, हमें दिखाना है मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, बस इतना, है ना, डेफिनेट नहीं दिखाना है उसको। तो आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल की एरर थी और एन करेंगे, ठीक है, ये एरर वाला पार्ट्स भी हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन अभी और बचे हैं। आगे ब्लैंक को फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये 10 क्वेश्चन है, एक एक को देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, देयर वॉज अ टाइम व्हेन वेस्ट जर्मनी वॉज अ डिस्टिंक्ट ब्लैंक। अब ऑप्शन है आपके पास, पहला है पॉलिसी, पॉलिटी, एब्स्ट्रैक्ट, फिर है हैराकी, ठीक है, एक एक को देखेंगे। देखो डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब समझते हो, देयर वॉज अ टाइम व्हेन जर्मनी वॉज अ डिस्टिंक्ट, एक टाइम था जब जर्मनी के पास एक विभिन्न भिन्न कह सकते हो, सबसे अलग था, क्या था, पॉलिसी थी, पॉलिसी मतलब नीति कह सकते हो, पॉलिटी राजतंत्र कह सकते हो या राजव्यवस्था कह सकते हो, ऑब्स्ट्रैक्ट यानी कि निराकार जिसको कहते हो ना, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे होता है जिसका मूर्त रूप कंक्रीट फॉर्म नहीं होता है, हैराकी, हैराकी होता है पदानुक्रम या वर्गीकरण कह सकते हो, पदानुक्रम या फिर वर्गीकरण, ठीक है। तो कह रहा है देर वॉज अ टाइम व्हेन वेस्ट वेस्ट जर्मनी वॉज अ डिस्ट्रिक्ट। देखो पॉलिसी तो होगा नहीं ना, नीति का कोई मतलब नहीं बन रहा है, अब्स्ट्रैक्ट गलत है, कुछ लोगों ने हो सकता है हैराकी लगाया हो, है ना, पदानुक्रम, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम पॉलिटी सही करेंगे। देर वॉज अ टाइम एंड वेस्ट जर्मनी वॉज अ डिस्टिंक्ट पॉलिटी, एक समय था जब जर्मनी के पास में एक भिन्न कह सकते हो या फिर एक अलग राज्य व्यवस्था थी, ठीक है, उस वाले सेंस में यूज़ करना है तो फिर हम पॉलिटी यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर का लिखा है, आई वॉज प्लान विद द फिल्म आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी बेटर। आई वॉज, पहला ऑप्शन है डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटिंग, एनॉइंग, प्रिजुडिस्ड, ठीक है, एक एक को समझेंगे। डिसअपॉइंटेड निराश, है ना, डिसअपॉइंटेड कह सकते हो, डिसअपॉइंटिंग निराशाजनक कह सकते हो, निराश करने वाला, एनोइंग, एनोइंग मतलब क्या होता है, परेशान करने वाला, खिजाऊ कह सकते हो, प्रिजुडिस पूर्वाग्रही या पक्षपातपूर्ण कह सकते हो, पूर्वाग्रही, ठीक है, पूर्वाग्रही या पक्षपातपूर्ण। तो देखो ये पैसिव वॉइस लिखा है, आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद द फिल्म, मैं जो है वो फिल्म से निराश था, आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी बेटर, मैं इसको और ज़्यादा अच्छे होने के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था, ऐसा कुछ है। तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड, हम यहाँ पे डिसअपॉइंटेड करेंगे, ठीक है, ए वाला ऑप्शन, ठीक है, डिसअपॉइंटिंग नहीं करेंगे, है ना, आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद द फिल्म। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है, इट वॉज अ ब्लैंक एक्सपीरियंस, एवरीबडी वॉज शॉक्ड, इट वॉज अ, ये एक था कैसा एक्सपेरिमेंट, टेरिफाइड, पहला ऑप्शन है टेरिफाइड, टेरिफाइड का मतलब क्या होता है, भयभीत कह लो, टेरिफाइड, हॉरिफाइड परेशान, है ना, भयभीत, भयभीत, हॉरिफाइड हॉरर से बना होगा, परेशान, टेरिफाइंग भयंकर, भयंकर टाइप का कह सकते हो, डिनाउंसिंग दोषारोपण करना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है ना, यहाँ पे दोषारोपण करना मतलब फिर भी समझ लो, चलो देखते हैं क्या होगा। इट वॉज अ कैसा एक्सपीरियंस था, एवरीबडी वॉज शॉक्ड, सबको ही परेशान था, शॉक्ड था, ये कैसा एक्सपीरियंस था, भयभीत, हॉरिफाइड, टेरिफाइंग, टेरिफाइंग, इट वॉज अ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस, ये एक भयंकर अनुभव था, हर कोई शॉक्ड था, ठीक है, टेरीफाइंग यहाँ पे हम सही करेंगे। बाकी ये डिनाउंसिंग जो लिखा है, डिनाउंसिंग ये तो सबसे अलग है, ये वर्ब फॉर्म में है ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, 44 नंबर लिखा हुआ है, एलिफेंट्स ब्लैंक व्हेन दे परसीव डेंजर, एलिफेंट्स क्या करते हैं जब वो डेंजर को देखते हैं, है ना, ट्रम्पेट, फ्रोलिक, वाइन, सिंग। देखो ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है, एक तो इसका मतलब होता है घोषणा करना, घोषित करना कुछ भी, है ना, घोषित करना, ट्रम्पेट, ठीक है, इसी से एक इडियम बना है, ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, सुना होगा,
है ना, यहाँ लिख देते हैं ब्लू ब्लू योर, सुन रखा होगा आपने ब्लू योर ओन ट्रम्पेट, मतलब क्या होता है इसका, चलिए बताइए, ब्लू योर ओन ट्रम्पेट इसका मतलब होता है कि खुद की बड़ाई करना, टू प्रेज योर ओन एबिलिटीज, मतलब खुद की जो है एबिलिटीज की प्रशंसा करना, ठीक है। तो ये तो एक अलग बात हो गई कि ट्रम्पेट से एक idiom बना है, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन इधर समझो, एक तो ट्रम्पेट का मतलब होता है कुछ भी घोषित करना, ना घोषणा करना किसी भी चीज़ की, एक और होता है मतलब लाउड वॉइस में बोलना, है ना, ट्रम्पेट का एक मतलब होता है, एक एक होता है मतलब बहुत ही तेज आवाज़ में बोलना, एलिफेंट्स के लिए यूज़ होता है वो अलग से, तो यहाँ पे यही सही करेंगे, एलिफेंट एलिफेंट ट्रम्पेट आगे जो लिखा है वही रहेगा, है ना। दूसरा ऑप्शन है फ्रोलिक, फ्रोलिक का मतलब क्या होता है, उछल कूद करना, उछल कूद करना। एक है वाइन, वाइन का मतलब होता है कह लो एक तरह से क्राइंग वॉइस, है ना, क्राइंग वॉइस, या फिर इसी को कह सकते हो कि मतलब कराहना, है ना, हिंदी में अगर कहना है। सिंग आपको पता है गाना, है ना, वर्ब है गाना। तो एलिफेंट्स ट्रम्पेट यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही होगा, है ना, तेज आवाज करना भी इसका मतलब होता है और वो मोस्टली एलिफेंट्स के लिए यूज होता है, वही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर लिखा है, द फर्स्ट फिल्म ऑन टैगोर वाज सच अ सक्सेस दैट नाउ दे आर गोइंग टू मेक अ ब्लैंक सीरियल सीक्वेंशियल। सीरियल मतलब आपको पता है क्रम कह सकते हो, है ना, क्रम या धारावाहिक कहते हो इसी को, धारावाहिक, है ना, जो घर में देखते हो। सीक्वेंस ये होता है क्रम, इसका भी मतलब क्रम होता है या अनुक्रम कह सकते हो, है ना। फिर है सीक्वल, सीक्वल थोड़ा सा अलग है इन दोनों से, इसका मतलब कह सकते हो परिणाम, मतलब कोई भी चीज़ आई हो उसके, जैसे मूवी वगैरह आती है तो बाद में होता है सीक्वल है ये इसका, है ना, सीक्वल लास्ट में जो परिणाम के रूप में बनती है, या फिर सेल्स कह लो तो सीक्वल होता है, सिक्वेंशियल अनुक्रमिक कह सकते हो। तो लिखा है द फर्स्ट फिल्म ऑन टैगोर वाज सच अ सक्सेस दैट नाउ दे आर गोइंग टू मेक अ सीक्वल, सीक्वल यहाँ पे सही करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है द यूनाइटेड नेशंस हैड ब्लैंक 2020 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, ठीक है, देखते हैं क्या है। पहला है रूल्ड ऑर्डर्ड फोरटोल्ड डिक्लेयर्ड, ठीक है, तो रूल्ड रूल होता है, एक तो नियम होता है, एक शासन करना होता है, एक नाउन होता है, नाउन भी है ये और ये वर्ब भी है, है ना, तो शासन करना भी होता है। द यूनाइटेड नेशंस हैड रूल्ड ऑर्डर्ड फोरटोल्ड डिक्लेयर्ड, एक एक का मतलब समझो फिर समझते हैं क्या सही होगा, ठीक है, रूल्ड शासन करना, ऑर्डर्ड आदेश देना, है ना, ऑर्डर्ड ऑर्डर होता है आदेश देना, ऑर्डर्ड आदेशित करना कह सकते हो या आदेश दिया, है ना। फोरटोल्ड ये क्या होता है, सुना है वर्ड, ये हो सकता है नहीं सुना हो, क्यों नहीं सुना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हो सकता है सुना भी हो, बड़ी बात नहीं है। फोरटेल होती है वर्ब, फोरटेल इसका मतलब होता है भविष्यवाणी, है ना, भविष्यवाणी, ठीक है, उसी का ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखा हुआ है फोरटोल्ड, ठीक है, ये है डिक्लेयर्ड, तो लिखा है द यूनाइटेड नेशंस हैड डिक्लेयर्ड यहाँ पे सही करेंगे, है ना, घोषित किया, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने 2020 को घोषित किया किस रूप में, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, है ना। चलो तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ, डिक्लेयर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है माई ब्रदर इज ब्लैंक पंक्चुअल बट ही इज लेट टुडे, मेरा जो भाई है वो पंक्चुअल है बट ही इज लेट टुडे, लेकिन वो आज देर से है। तो पहला लिखा है नॉर्मेटिवली, है ना, नॉर्मेटिवली जिसका मतलब क्या होता है, एक तरह से कह लो निर्देशात्मक रूप से, है ना, नॉर्मेटिव होता है वर्ड, नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिवली एडवर्ब बन जाता है, इसका मतलब होता है निर्देशात्मक रूप से, है ना,
जो नए वर्ड्स हैं आप उनको भी याद रखेंगे, क्योंकि आपके किसी दूसरे एग्जाम में ये भी आ सकते हैं, ठीक है, निर्देशात्मक रूप से। प्राइमरीली है ना, प्राइमरीली मतलब कह सकते हो मुख्यतः या मेनली कह सकते हो इसी को, मेनली। नॉर्मली, नॉर्मली सामान्यतः, सामान्यतः। अगला है बेसिकली, मूलतः, कहते हैं ना बेसिकली ऐसा है, ठीक है। तो माय ब्रदर इज क्या करेंगे, दो में कन्फ्यूजन होगा, नॉर्मली और बेसिकली में आपको, है ना, ये दो तो किसी ने नहीं लगाया होगा। माय ब्रदर इज बेसिकली पंक्चुअल, मेरा जो भाई है मूलतः पंक्चुअल है, मतलब उसकी आदत है वो पंक्चुअल होने की, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सही करेंगे, नॉर्मली गलत होगा, है ना, सामान्यतः का मतलब नहीं बन रहा है, नॉर्मली नहीं करेंगे, बेसिकली, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 48 नंबर, लिखा है माई सन इज वेरी ब्लैंक, ही ट्रस्ट एवरी वन। मेरा जो सन है, बेटा है, वो क्या है, फेलिबल, गुलीबल, सेंसिबल, क्रेडिबल। फेलिबल दोषपूर्ण हो सकता है ना, फेलिबल का मतलब होता है दोषपूर्ण, यानी कि बहुत ज़्यादा दोषी टाइप का। गुलीबल भोला भाला, भोला भाला। सेंसिबल, सेंसिबल क्या होता है, समझदार कह सकते हो ना, समझदार। एक है क्रेडिबल, क्रेडिबल विश्वसनीय ना, विश्वसनीय। देखो हो सकता है विश्वसनीय है ना, हो सकता है कुछ लोगों ने क्रेडिबल लगाया हो, लेकिन गलत होगा। माई सन इज इसलिए लगा दिया होगा क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट लिखा है ना, जो मेरा सन है वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है, ही ट्रस्ट एवरी वन, वो सबके ऊपर ट्रस्ट करता है, ये गलत है। विश्वसनीय नहीं, विश्वसनीय तो वो होगा जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे, है ना, विश्वसनीय वो होगा जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। जो दूसरों पर करेगा उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं भोला भाला, है ना, माई सन इज़ वेरी गुलीबल, मेरा जो सन है वो बहुत भोला भाला है, ट्रस्ट एवरी वन, वो सब पे ट्रस्ट करता है, ऐसा कुछ है। तो गुलीबल यहाँ पे सही करेंगे, बाकी नहीं। अगला देखो 49 नंबर लिखा है, महात्मा गांधी वॉज अ लवर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड अ ब्लैंक बिलीवर इन द गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। महात्मा गांधी वॉज अ लवर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड अ, पहला है स्टंच, पावरफुल, चेयरफुल, होपफुल, ठीक है। स्टंच मतलब क्या होता है, एक तरह से कह सकते हो कट्टर या फिर दृढ़ निश्चयी कह सकते हो, है ना। वैसे कट्टर थोड़ा सा निगेटिव वर्ड लगता है बोलने में ना, कट्टर, कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम बोला जाता है ना, ठीक है। दृढ़ निश्चयी बढ़िया है, ये सही है, डिटरमाइंड कह सकते हो, दृढ़ निश्चयी है ना, दृढ़ निश्चयी, ठीक है। फिर है पावरफुल, मतलब कह सकते हो पावरफुल, शक्तिशाली। चेयरफुल आनंदित है ना, चेयरफुल आनंदित हो जाएगा। होपफुल आशावादी। तो महात्मा गांधी वाज अ लवर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड अ स्टेंच बिलीवर है ना, दृढ़ निश्चयी विश्वासी थे ह्यूमन नेचर के अच्छाइयों के बारे में। तो यहाँ पे हम पहला वाला ऑप्शन सही करेंगे, स्टेंच, ठीक है, बाकी सारे गलत हैं, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है इनका। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, आई विश आई ब्लैंक हर बिफोर वी मेट, आई विश कास आई नो हैव नोन न्यू नोन, नो न्यू नोन होता है ना, नो न्यू नोन, ठीक है। अब देखना है, हैव नोन का तो कोई मतलब नहीं बन रहा है, पास्ट की बात कर रहा है तो हम प्रेजेंट क्यों लाएंगे, कोई मतलब नहीं है, तीन में देखेंगे। अब अगर पास्ट की बात कर रहा है तो नो कैसे आएगा, गलत हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी नहीं होगी ना। आई विश आई न्यू हर बिफोर वी मेट, काश हम मिलने से पहले एक दूसरे को जानते, है ना, ऐसा कुछ है। आई विश आई न्यू हर बिफोर वी मेट, काश मैं उसको जानता मिलने से पहले, काश मैं उसको मिलने से पहले जानता, ऐसा कुछ कहना है। तो पास्ट में है पूरा सेंटेंस, तो हम यहाँ पे पास्ट की फॉर्म यूज़ करेंगे ना, वर्ब की, कोई और क्यों यूज़ करेंगे, है ना, तो यहाँ पे न्यू सही हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गए पूरे 50 क्वेश्चंस आपके एनडीए एग्जाम के जो 2021 में हुआ है। ठीक है, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता हो चल गया होगा इंग्लिश के पार्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, है ना। और अगर आपने नहीं दिया था, अभी दे रहे हैं, तो फिर ठीक है, आगे जिनको देना है वो भी सीख सकते हैं कैसी कैसी चीज़ें पूछी जाती हैं, लेवल क्या रहता है एग्ज़ाम का। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं, या फिर एक दो में ऐसा भी हो सकता है आपको डाउट हो, नहीं ये वाला ज़्यादा सही है ये वाला, जो भी है आप कमेंट में हमें बताना, जो भी है ना। तो इस वीडियो के लिए फिर हम यहीं पे रखते हैं, आगे एक जो सीरीज चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप करेंगे तो जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप खुद नए क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए फिर हम यहीं पे रखते हैं, आगे चीज़ें अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।